अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे कबाबों की चटनी, मतलब चटनी में कबाबा डाल के बनेंगे हम सालन। ये कबाबा इस तरह से हम रेडी कर ले सकते हैं। तो हम पहले इसको तल के निकालेंगे। इसके लिए हम भगोने में तेल डाल देंगे। तेल आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल लीजिए। अब हम इसमें कबाबा डाल देंगे। तेल गरम हो गया। हैदराबाद की बहुत पुरानी और फेमस डिश है ये, बहुत मज़े की भी बनती। पूरे कबाबों को हम डाल देंगे, इस तरह हिलाते हुए तल लेंगे हम। मीडियम फ्लेम पे रख के तल लेना कबाबों को। मीडियम फ्लेम पे तलने से अच्छा अंदर तक तले जाते। मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे फिर से। अब ये रेडी हो गए। अब हम इसको निकालेंगे। पूरे कबाबों को निकाल के हम सेपरेट रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से निकालना, सेपरेट रख देंगे हम इसको। अब हम लहसुन 6 से 7 लहसुन को चॉप करके ले ली, मैं बारीक कट के ले ली। अभी लहसुन ऐड कर देंगे हम। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दी मैं, क्योंकि तेल बहुत गर्म हो गया था। लहसुन डालने के बाद हम इसमें करी पत्ते के 2 काड़ियाँ इस तरह से डाल देंगे। अब हम लाल मिर्ची डाल देंगे, सूखे लाल मिर्चियाँ 4 से 5। अब फ्लेम को ऑन कर लेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर दी थी मैं गैस ऑन करके। अभी मीडियम हीट पे रखी। इसमें ज़ीरा राया नहीं डालती मैं, सिर्फ लहसुन करियापक और लाल मिर्ची सब बघारती हूँ। अब ये टमाटे 6 से 7 टमाटे काट के रख ली थी मैं। सिर्फ 1 मुट्ठी इसमें टमाटे ऐड करेंगे पहले हम। वन स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद में अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 स्पून। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो बाकी के टमाटे रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे हम। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। फर्स्ट में सिर्फ 1 मुट्ठी टमाटे इसलिए डाली मैं, क्योंकि हम डायरेक्ट मिर्ची डाल दें तो जल जाता, इसलिए पहले टमाटे डाल के थोड़ा अदरक लहसुन हल्दी मिर्ची भून के फिर बाकी के टमाटे डालने से अच्छा होता और मिर्ची भी नहीं जलती। मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अब हम मीडियम फ्लेम पे रख के गैस की फ्लेम को ढक्कन ढाँप के पका लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिला लेंगे। टमाटे गलने तक हम इसको पका लेना।
और साथ में अच्छे से भूनते भी रहना। ढक्कन ढाँप के हम इसको पकाए तो जल्दी गलते टमाटर, और फ्लेम को लो पे रखना, लो से मीडियम हीट पे रखे तो अच्छा रहता। ढक्कन ढाँप के पका लेंगे फिर से। ये देखिए अच्छे से गल गए टमाटर भी। चार हरी मिर्चा स्लिट करके डाल देंगे, कोथमीर डाल देंगे थोड़ी सी, फिर से मिक्स कर लेंगे। चटनी अच्छे से भुनेंगे, देखिए ड्राई भी हो गई है और जो है सो टमाटर गल भी गए और भुने भी गए। इस तरह पूरी सूखी होने तक, चटनी को ड्राई होने तक पका लेना, बीच बीच में हिलाते भी जाना। अब जो हम कबाबन तल के निकाले थे, लास्ट में हम ये ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर देंगे हम इसमें। अभी कबाबा ऐड करने के बाद में फिर से मिक्स कर लेंगे हम। कबाबों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं, कितना डालना है आपको। अच्छे से मिला लेंगे, सिर्फ एक से दो सेकंड के लिए इसको पकाएंगे हम। ये देखिए रेडी हो गया कबाबों का सालन। तो ये थी आज की रेसिपी, हैदराबाद की पुरानी और फेमस डिश, टमाटरों की चटनी और कबाबों का सालन। जब भी आप कबाबों का सालन बना रहे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार बनता है। अगर ये रेसिपी, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।